अमेज़न पर अगर आप सर्च करते हो मोबाइल लेंस लिखकर तो आपके सामने जो ऑप्शन आते हैं उनमें सबसे पहला ऑप्शन है ये, जो कि है स्काईविक का सिग्नी प्रो 2-in-1 मोबाइल लेंस किट। ये एक मैक्रो और वाइड एंगल लेंस का किट है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप काफी कमाल के मैक्रो और वाइड एंगल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो इस लेंस को टेस्ट करने के लिए आज हम इस बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में आए हैं। आप देख सकते हो चारों तरफ हरियाली है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। तो यहाँ पर इस लेंस को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ फोटोज और वीडियोस कैप्चर करेंगे, दिखाएंगे आपको कि ये जो लेंस है क्वालिटी वाइज कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं। और राइट, सो ये है स्काईबिक सिग्नी प्रो लेंस किट का बॉक्स। नाउ इसको ओपन करते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें और एक बॉक्स मिलता है, इसको भी ओपन करते हैं। खुल जा यार। फाइनली सो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुश्किल रहा मेरे लिए, बट जो पैकेजिंग स्काईविक ने करी है ना वो सच में काबिले तारीफ है। नाउ दिस वन इज द केस जिसके अंदर हमें अपना लेंस मिलता है, इसको भी ओपन करते हैं। ऑल राइट, सो दिस वन इज द लेंस एंड ये है एक यूनिवर्सल क्लिप। इसके मदद से आप इस लेंस को अपने फोन के ऊपर अटैच करते हुए इस्तेमाल कर पाओगे, जिसके लिए सबसे पहले तो लेंस के ऊपर ये जो प्रोटेक्टिव कैप्स है इनको आपको निकाल देने हैं, फिर इस लेंस को क्लिप के ऊपर आपको अटैच करना है। ऑल राइट, नाउ इस क्लिप की मदद से आप इस लेंस को अपने फोन की मेन प्राइमरी कैमरे के ऊपर क्लिप करेंगे और इस लेंस का आप इस्तेमाल कर पाओगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द बिल्ड क्वालिटी, बहुत ही प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है प्रोडक्ट का। ये पूरा मेटल फ्रेमिंग से बना है एंड जो ग्लास है वो भी बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के दिख रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं, दिस वन इज माय कैनन 15-45mm जूम लेंस एंड दिस इज द स्काईबिक लेंस। अगर मैं दोनों को साइड बाय साइड रखूं तो ऊपर की तरफ से दोनों ही लेंस बिल्कुल ही सेम दिखते हैं। दैट इज व्हाई स्काईबिक यहां पर लिख रहा है पॉकेट डीएसएलआर किट, क्योंकि जो लेंस है फोन के ऊपर अटैच करने के बाद काफी खूबसूरत दिखता है। बाय द वे बताना भूल गया, ये एक 2-in-1 लेंस किट है जिसको कि आप 0.45x वाइड एंगल लेंस की तरह या फिर एक 15x मैक्रो लेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों ही लेंस को अगर आप एक साथ में इस्तेमाल करते हो तो ये बन जाता है वाइड एंगल लेंस। नाउ इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको आप सबसे पहले अपने फोन के जो मेन प्राइमरी कैमरा है उसके ऊपर क्लिप करिए और एकदम बीचों बीच क्लिप करिए। अगर थोड़ा बहुत भी साइड में रहेगा तो आपके फोटो में डिस्टॉर्शन आएगा। अब उसके बाद आप देख पाओगे कि आपके फोन का जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो एक वाइड एंगल कैमरा बन गया है। ना फोन का जो मेन प्राइमरी कैमरा होता है वो फोन का सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन का कैमरा होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी में आपका फोन उस कैमरे से फोटो कैप्चर करता है। तो इस लेंस की मदद से आप अपने फोन से हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी में वाइड एंगल फोटो कैप्चर कर पाओगे। लेंस के सामने का जो पार्ट है ये डिटैच हो जाता है कुछ इस तरीके से, और डिटैच करने के बाद नीचे का जो लेंस बचता है ये है एक 15x मैक्रो लेंस। ना इसको फोन में अटैच करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्लोजअप में जाकर उसका फोटो कैप्चर कर सकते हैं, और आप देख सकते हो काफी अमेजिंग मैक्रो फोटो हम यहाँ पर कैप्चर कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस लेंस को ब्लॉगिंग के लिए खरीदना चाहेंगे, तो अगर आप इस लेंस को अपने फोन के फ्रंट कैमरे में लगाते हो तो कुछ इस क्वालिटी में आपका वीडियो आएगा। बाइक भले ही थोड़ा यहाँ पर रुक गया है बट वीडियो नहीं रुकना चाहिए। सैंपल फोटोज तो आप लोगों ने बहुत सारे देख लिए हैं, आई एम श्योर फोटोज आपको अच्छे लगे होंगे। आप फोटोज की क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं, फोटोज को जूम करके देखते हैं एक्चुअली में ये लेंस किस क्वालिटी में फोटो कैप्चर करता है। शुरू करते हैं वाइड एंगल लेंस से। तो ये फोटो वाइड एंगल लेंस से कैप्चर किया गया है। नाउ जो फोटो है दिखने में आपको काफी बेहतरीन दिख रहा होगा, काफी अच्छा खासा शार्प एंड वाइब्रेंट फोटो आपको दिख रहा होगा, बट कॉर्नर के एरिया को आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट है, नीचे कॉर्नर में भी एक ब्लैक स्पॉट है। ये वाइड एंगल लेंस का एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको कि आप इजिली हील करके फिक्स कर सकते हो। दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर आप फोटो को सेंटर में जूम करते हो तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा डिटेल्स, काफी अच्छा शार्प फोटो दिख रहा होगा, बट अगर आप कॉर्नर के एरिया में जूम करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो डिटेल्स है, जो शार्पनेस है वो थोड़ा सा खत्म हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है। मैं आपको और एक सैंपल फोटो दिखाता हूं।
इस फोटो को आप देखो, इसमें भी सेम प्रॉब्लम, सेंटर में काफी अच्छा खासा डिटेल है बट जो कॉर्नर का एरिया है ये पूरा ही ब्लर हो गया है। तो ये ब्लरी एज का जो इशू है वाइड एंगल लेंस का एक कॉमन प्रॉब्लम है और इस लेंस में भी ये प्रॉब्लम है, थोड़ा ज्यादा ही है। मैं आपको ये फोटो दिखाता हूँ, आप इसमें देखो मेरे जो बॉडी है इसमें काफ़ी अच्छा खासा डिटेल्स इसने मेंटेन रखे हैं, बट इस एरिया को थोड़ा सा देखो, यहाँ पर इसने इसको पूरा ही ब्लर कर दिया है, पीछे का जो एरिया है क्लियरली विजिबल भी नहीं हो रहा है। अब मैक्रो फोटोज़ को देखते हैं, और इस वाले फोटो को अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप क्लियरली देख सकते हो मैक्रो फोटोज़ में भी ब्लरी एज का इशू है। सेंटर में जो डिटेल्स है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है बट कॉर्नर का एरिया देखो पूरा ही ब्लर हो गया है। तो वाइड एंगल लेंस के साथ साथ मैक्रो लेंस में भी आपको ब्लरी एज का इशू दिखता है। मैं आपको कुछ और फोटो दिखाता हूँ, आप इस वाले फोटो को देखो, इसमें आपको जो ब्लरी एज का इशू है वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं होगा बिकॉज कॉर्नर का जो एरिया है वो ब्लरी एरिया है। यहाँ पर सेंटर में बहुत ही बेहतरीन डिटेल्स इसने कैप्चर करी है और कॉर्नर का एरिया बिल्कुल ही नेचुरल दिख रहा है। तो मैक्रो फोटोज में ब्लरी एज का इशू ज्यादा नोटिस नहीं होता है। मैं आपको कुछ और सैंपल दिखाता हूँ, आप इस वाले फोटो को देखो, यहाँ पर सेंटर में अगेन बहुत ही बेहतरीन डिटेल है एंड जो कॉर्नर का एरिया है यहाँ पर थोड़ा सा इसने ब्लर कर दिया है। साथ ही साथ आप देख सकते हो इसमें क्रोमेटिक एब्रिएशन का इशू भी थोड़ा सा है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्लू लाइट जैसा आपको दिख रहा होगा, ब्लू लाइन जैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं क्रोमेटिक एब्रिएशन, जो कि लो क्वालिटी ग्लासेस की वजह से होता है। तो इस लेंस में क्रोमेटिक एब्रिएशन का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है। नाउ मेरे ओपिनियन में दोस्तों लेंस काफी अच्छा है अगर आप फोटो और वीडियोस को सोशल मीडिया में यूज करना चाहते हो, लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम में पोस्ट करना हो या यूट्यूब में ब्लॉग वीडियोस बनाना हो तो आप इस लेंस से काफी अच्छी क्वालिटी में बना सकते हो। अगर आप इस लेंस को खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर से परचेस कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।